देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही दिव्यांगों को लेकर तमाम तरह की सहायता मुहैया कराने की बात करते हों, लेकिन महोबा में इसके ठीक उलट तस्वीर नज़र आ रही है। गुजरे 3 महीनों से एक दिव्यांग न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। ज़िले में काबिज़ योगी सरकार के मुलाजिमों द्वारा दिव्यांग शिकायतकर्ता को सीधे तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा चुके दिव्यांग की शिकायत पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब SP महोबा की चौखट पर पहुंचे इस दिव्यांग ने जब अपनी बात रखनी चाहिए तो उसे वहां बैठे एक अधिकारी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब भला ऐसे हालत में दिव्यांग जाए भी तो जाए कहाँ। SP महोबा की चौखट पर पहुंचे दिव्यांग ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। दिव्यांग की माने तो उसका सीधा आरोप है कि जानबूझकर उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है ताकि आरोपी को बचाया जा सके। गाँव में अन्ना थाना के आने वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, 2-3 बार गए हैं तो जो साहब वो दरोगा जी भगा देते हैं, तो कार के कह देते हैं जाओ भग। 2 महीना अस्पताल में भर्ती रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। CO साहब कह रहे हैं ट्रैक्टर बदल लो, CO साहब दिनेश हो रहे हैं, आज SP ऑफिस आए थे, मैडम से पूरी तरह बात नहीं हो पाई है। CO साहब ने खन्ना SO से बात की है, उन्होंने कह दिया है ऐसे है, CO साहब ने फिर भगा दिया है। दरोगा जी कह रहे हैं दूसरा ट्रैक्टर लगा लो जिसका बीमा हो, CO साहब यही बात कह रहे हैं। हमें देखिए अब आगे क्या होता है, न्याय नहीं मिलेगा तो फिर धारने में बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, पैर तो कट ही गया है, परिवार कैसे चलेगा। लगभग 3 महीने हो गए, 1.5 महीने हम अस्पताल में भर्ती रहे हैं, 12 मई को हुआ था और तब से अभी तक FIR नहीं लिखी गई, किसी ने नहीं लिखी। हमारे जगह हुआ है, CO साहब के यहाँ पहले गए थे तो उन्होंने कहा चलो हम बात करेंगे, यही बात अभी SP साहब ने कही, मैडम से बातें नहीं कहते थे होने दी है। CO साहब ने तुरंत हमारा वो लिया अप्लीकेशन और कह दिया चलो भागो भागो भागो। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ तक कि एक पुलिस वाले ने हमारा हाथ तक कंधा पकड़ के कहा है कि चलो भागो। पूरा मामला ये है कि 12-5 को एक्सीडेंट हुआ था, तभी इन्होंने फ़ोन किया, इस साले ने फ़ोन किया सिर्फ सुनने की एक्सीडेंट हो गया है। मैं वहाँ से तुरंत गाड़ी लेके आया, इसके बाद निकल गए लेके बांधा लेके गए तो ट्रैक्टर मालिक का फोन आ, ट्रैक्टर मालिक ने वहीं मौके में था ट्रैक्टर मालिक, उसने कहा कि बाद में देख लेंगे, पहले आप अपना मरीज देखिए। अब वो कह रहा है कि मुझे नहीं कुछ करना। SP साहब से कोई किसी ने बात ही नहीं करने, DCO साहब थे, CO साहब ने एप्लीकेशन ले ली थी और कह रहे थे बाद में देखेंगे, भगा दिया बाहर, कह रहे थे ठीक है जाओ देखेंगे। कितने महीने हो गए इस एक्सीडेंट को? करीब 3.5 महीने। 3.5 महीने से ऐसे ही भटक रहे हैं आप? थाना अध्यक्ष क्या कहता है? वो कुछ नहीं कहता, कहता पैसे लिए है, वो तो कहता है ट्रैक्टर बदल लो दूसरा। मतलब वो खुद कहता है कि ट्रैक्टर बदल लो, दूसरा ट्रैक्टर लगाओ। ऐसा क्यों कहता है? उसने पैसे लिए है ट्रैक्टर मालिक से। और जब आप लोग कहते हैं कि मुकदमा लिखिए, फिर क्या कहता है? वो कहता है देखेंगे समझेंगे फिर जांच करेंगे, भगा देता है अगर थाने से। मामला खन्ना थाना क्षेत्र के खमरिया तिगा इलाका है, जहां अपने साले की शादी में दोपहिया वाहन से जा रहे अनिल कुमार यादव को एक ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार कर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक घटना से भाग गया था। ट्रैक्टर आशाराम पुत्र जयराम सिंह निवासी सिरसी खुर्द के नाम पर रजिस्टर्ड है, बावजूद उसके SHO खन्ना द्वारा ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। पीड़ित शिकायतकर्ता कई मर्तबा आला अफसरों से न्याय की गुहार लगा चुका है, बावजूद इसके खन्ना पुलिस द्वारा मामले को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। सड़क दुर्घटना में पीड़ित दिव्यांग का एक पैर कट चुका है, लेकिन पुलिस के लापरवाह रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस घटना को तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो वहीं आरोपी ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। SP महोबा की चौखट पर पहुंचे अनिल कुमार यादव ने जब अपनी बात SP से रखनी चाहिए तो वहां बैठे एक अधिकारी ने इसकी बात को काट दिया। अब ऐसे में पैर से अपाहिज हो चुका अनिल जाए भी तो जाए कहां। मोहम्मद आज़ाद चौधरी, दस्तक लाइव न्यूज़, महोबा।